हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और जैसा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बजाज डोमिनर 400 2022 मॉडल के बारे में। ये बाइक जो बजाज की सबसे मतलब स्ट्रांग और पावरफुल इंजन वाली बाइक है, जिसको एक परफेक्ट टूरर और सबसे बड़ी बात रॉयल एनफील्ड के कॉम्पिटिटर के रूप में मार्केट में उतारा गया था। इस बाइक में कंपनी ने 2022 मैं जो मॉडल लॉन्च किया है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो इस बाइक को परफेक्ट टूरर बनाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं क्या क्या वो चेंजेस किए गए हैं। सो गाइस, ये है बजाज डोमिनर 400 2022 मॉडल। ये कंपनी फिटेड टूरिंग एसेसरीज के साथ लॉन्च हुई है और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली में वो है 2.17 लाख। तो जो एसेसरीज इसमें आई है गाड़ी के साथ वो है टॉल वाइजर। इससे पहले भी डोमिनर में वाइज़र आता था लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का होता था, एज ए विंड ब्लास्ट को कट करने के लिए उसका कोई यूज़ नहीं था। बट उसके कंपैरिजन में, पुराने वाली डोमिनर के कंपैरिजन में, नई डोमिनर 2022 का जो विंड वाइज़र ये है काफ़ी लंबा है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये इसकी जो विंड ब्लास्ट है उसको काफ़ी कुछ कट करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिलता है LED प्रोजेक्टर लैंप और साथ में ये जो इंडिकेटर्स हैं LED इंडिकेटर्स। इसके अलावा बात की जाए, इसमें पीछे भी आपको रियर इंडिकेटर भी LED मिलते हैं और ये लाइट भी। इसके अलावा देखिए, इस गाड़ी में आपको मिलता है नकल गार्ड जो है, ये अगर आप टूरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी हो जाती है। कई लोग जिनको टूरिंग का शौक होता था इस चीज़ को बाहर से भी कराते थे, बट फ़र्क क्या पड़ता है कि आप कंपनी फिटेड ये जो एसेसरीज लगा रही है तो कंपनी इसमें काफ़ी रिसर्च वगैरह करके इनको लगाती है, तो जो प्रोडक्ट वगैरह उसकी आप जेन्युइननेस की गारंटी कर ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, डोमिनर की बैजिंग है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर बाई चांस आप थोड़े बहुत टाइम के लिए हेलमेट रखते हैं तो एक प्रोटेक्टिव दिया गया है गियर। और ये देखिए, इंजन है 273 cc का GTSI ट्रिपल स्पार्क इंजन। और इसके साथ नीचे देखेंगे तो ये आपको क्रैश गार्ड दिख रहा है जो पहले प्लास्टिक का आता था और अभी ये प्रॉपर मेटल का है, जो उम्मीद कर सकते हैं कि इसको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा इन केस अगर आप, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है बाई चांस से टच हो जाए। इसके अलावा ये देखिए, आगे का फ्रंट टायर जो ट्यूबलेस है, साथ में ABS और फ्रंट डिस्क जो है 320 mm का है इसमें। और ये देखिए, जो फ्रंट फोक है और जो आगे वाला मडगार्ड है इसमें ड्यूअल टोन डाला गया है। ये देखिए, फ्रंट डिस्क जो 320 mm का है इसमें ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा आपको, जो क्योंकि गाड़ी ये काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन है। और ये देखिए रेडिएटर जो, क्योंकि ये गाड़ी ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है। और ये देखिए, इसका डबल एग्जॉस्ट जिससे जिसका फायरिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये रियर डिस्क है जो 230 mm का, इसमें भी आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। और जो टायर है, टायर रियर वाला, इस ये अलॉय व्हील्स के साथ और ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलेगा आपको। ये देखिए डोमिनर की बैजिंग जो काफ़ी सुंदर लगती है। और इसके अलावा देखिए, सैडल स्टे पीछे लगाने के लिए आपको ये प्रॉपर दिया गया है, स्टे दिया गया है। इसके अलावा आगे देखिए, ये जो है अपना पिलर राइडर के लिए आपको इसमें एक छोटा सा सपोर्ट भी दिया गया है। जो सीट्स हैं इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल है। और बाकी जो ओवरऑल इंजन और बाकी सब चीज़ें, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए। गाड़ी परफेक्ट थी, मुझे लगता है कि बजाज ने जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वगैरह थे उनसे रिव्यूज़ लिए और जो जो कमियाँ उन्होंने बताई थी उसको इन्होंने पूरा करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखें जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आगे भी इसमें फ्यूल टैंक के ऊपर भी एक छोटा सा आपको LED ये मिलता है जिसमें आपको गियर की पोजीशन और टाइमिंग वगैरह आता है। इधर देखा जाए तो हेडलाइट ऑन ऑफ करने का इंडिकेटर और हॉर्न इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ आपको मिलता है किल स्विच और साथ में सेल्फ स्टार्ट और लाइट ऑन और ऑफ़ करने के लिए। और आगे देखें, आगे की बात करें तो इसमें आपको हैज़ार्ड लाइट्स, और ये देखिए, ये इस गाड़ी का एक अच्छा पॉइंट है टूरिंग के लिए, इसमें आपको USB सॉकेट मिलता है जिससे आप अगर फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहें तो आप गाड़ी के USB से ही कर सकते हैं। पीछे इसमें आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो काफ़ी अच्छा है।
और ये देखिए ओवरऑल ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, काफ़ी सुंदर एडवेंचरस स्पोर्टी टाइप का लुक है गाड़ी का और काफ़ी पावरफुल भी है। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आर है, बट मेरे हिसाब से इस गाड़ी को आप आराम से 120 130 तक क्रूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब अगर प्रॉब्लमेटिक एरिया की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है, जो एक प्रॉब्लम कर सकता है टूरिंग के लिए, थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाया जाता तो अच्छा रहता। ओवरऑल गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू डोमिनर 400 विद टूरिंग एसेसरीज का, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।